ना बहुत से कारण भी रहती है ना कान के अंदर, हड्डियों का रहता है, परु का रहता है, हड्डियाँ चटक जाती है, सूज जाती है। और दूसरी बात देखो, आपको मैंने आपको बताया नहीं आइकॉन में लिखी हूँ, होम्योपैथी एक ऐसी दवाई है विंग, जिसमें यदि हड्डियों का इलाज एलोपैथी में कराना होता है तो बहुत ही लंबी दुनिया चलती है। होम्योपैथी में हकला लावा दवाई है जो हड्डियों का सर्जन करती है, कैल्केरिया फ्लोर है वो करती है, स्थिति स्थापकता बदल देती है, पेट प्लेटफॉर्म ठीक करती, स्थिति स्थापकता समझते हो, बैलेंस ऑफ द बॉडी। वो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे जन्म का बड़ा बच्चा उसको ट्यूमर हो गया है तो कोई दवाइयाँ नहीं है एलोपैथी में, हमारे यहाँ दवाई देने से बच्चा नॉर्मल हो जाता है। अभी कान की हड्डी अगर बढ़ गई है तो अभी तक आपने किसी को बताया नहीं? बहुत से लोग तुरंत आपकी हड्डियाँ बड़े वाला लाना है, हमें तो आश्चर्य होता है। बढ़ गई है तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन है ना वो अंदर जाता नहीं है, ऐसे बोला था ना वो सब, वो यही तो बात है, यही तो चैलेंज कर रहा हूँ कि जब सुनने लगे तो भूल जाना हड्डियों की बातों को। आपने अपने जो अभी तक बताया ना कौन कौन से तरह के आप इलाज करते हैं उसमें कितनी है और भी शायद होता नहीं होगा। ना सब होता है, मैंने बताया नहीं, मेरे पास में मेरे क्या रोग का नाम कुछ भी हो, ना रोग का नाम कुछ भी हो आपको बताना है और हम वास्तु रोग में से मुक्त करेंगे आपको। सिस्टम है, दिस इज ए रिपेयरिंग ऑफ द सिस्टम। कान की कोई भी डिजीज हो, कोई ऐसी है जो कान की जो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, हमने सिस्टम है बेटा। स्थिति स्थापकता का क्या मतलब है समझिए, मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि एक बार मुझे ही खुद को फिशर हो गया था, तो मैं समझता था मुझे वो हो गया, क्या बोलते हैं, मस्सा हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा था, इधर उधर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं केमिस्ट के पास में गया तो मैंने उसको मजाक की, मैं कहा हम लोग होम्योपैथी वाले केवल बातें ही करते हैं, कुछ करते भी हैं? बोले ओए इतने बड़े डॉक्टरों के कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा दादा ये बात है मेरे को, तो बोला कि ऐसा नहीं, तुम सिम्टम बताओ। तो मैं समझा नहीं, बुझाते बोला कि तुमने थयू छे शू, ये बताओ तुमने शू थवा बैठू छे। तो मैंने कहा खून आता, बोला नहीं। तो फिर उसने बढ़िया से डिटेल से पूछा, तो मैंने कहा मैं लेट्रिन जाता हूँ तो चीरा चीरा करके ही होता है, दुखता है और खून इसके लेट्रिन के लगता है। तो मुझे बोला ए इसको कैल्केरिया फ्लोर दो भाई, 10 रुपये दे भाई, चलो हो गया काम। 4 दिन बाद में आया, मैंने प्रणाम किया और उसको कहा कि दादा मेरे कल, बोला पढ़ते ही नहीं हो तुम पढ़ते तो मालूम पड़ जाए कि स्थिति स्थापकता की बेस्ट दवाई है, समझ गए बात को। तो ये बातें बहुत ऐसी है जिसकी बारे में हम नहीं चर्चा कर सकते हर समय हर एक आदमी लेमिन से, क्योंकि ही शुड नो द होम्योपैथी। हम तो इतनी जानते हैं, ट्रीटमेंट करेंगे, परिणाम आएंगे, आपको लक्षणाधीन दवाई देंगे, डॉक्टर बैठा हुआ है वो आपकी हिस्ट्री लेके दवाई देगा। बीपी की दवाई चालू है लेकिन होम्योपैथी है, पहले एलोपैथी की बहुत तीर है, होम्योपैथी शुरू की तो सब गोलियां एलोपैथी की बंद हो गई मेरी, तो होम्योपैथी के विश्वास है लेकिन वो ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट एक साथ ली तो चलेगी क्या? चलेगी। अभी आप चेक करते हैं या डायरेक्टली पैसा भरने के बाद ही आप चेक वगैरह करते हैं? चेक करना जब वैसे तो चेक करते हैं, कान चेक तो वर्बल होता है ऊपर से, हम लोग अंदर की चेकिंग जानते ही नहीं बेटा, हम तो लक्षणाधीन दवाइयाँ कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक है, हमारी दवाइयाँ कोई ऐसी नहीं है जो चेकिंग करती हो। सर मेरी बच्ची 13 साल की है तो जन्म से ही सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब आप ड्रॉप डालेंगे तो उसके बाद उसको कितना बच्ची है, कहाँ बच्ची है तो ये तो सुनेगी, जवाब दे देगी कैसा सुन रहा है। नहीं उसके बाद उसको मशीन लगानी पड़ेगी। ऐसा है कि बिना मशीन के अभी मशीन से भी सुन रही है कि नहीं सुन रही, आई डोंट नो, थोड़ा मशीन से भी नहीं सुन रही है सर, सामने से फेस खाली लिप्स रीडिंग कर रही है। लिप्स रीडिंग तो वो करती है, आवाज दिया तो एक काम करो, मशीन लगी हुई है, सुनो आप मत बोलना, खड़ी हो जाओ, खड़ा हो जाओ, हाँ मुड़ जाओ पीछे, पीछे मुड़ जाओ, उसको बोलो जवाब देना सुनाई दे, तू मराठी समझती है, मराठी में बोलो उसको बोलो, संस्कृति आवाज आला की हो वरती हाथ कर तिकड़े बघ पलीकडे तिकड़े बोलना, संस्कृति वेरी गुड। कौन से आए देखो सुनो, एक कान की मशीन निकलवा लो, एक कान की मशीन काट, मशीन काट, मशीन काट, एक कान की एक कान, ये तो बहुत बढ़िया केस, अच्छा हो जाएगा। हां सुनो, इसके परिणाम बहुत बढ़िया आएंगे क्योंकि ऑलरेडी सुन रही है ये, उसको कमांड इंटरप्रिटेशन निकलने के बाद बहुत कम सुन, बहुत नहीं अच्छा, हाँ अब नहीं सुने, क्या बात करो, संस्कृति
अब कुछ नहीं है, ये कान खराब है, ये उधर वाला खराब ही है, बस उसी वो पूरा डेफ है और ये बचा लिया इसने इसको 80% से आता है, उससे 95 है। कैसे वो तो डॉक्टर लोग इसी भाषा में बात करते तो ये भाषा में सेम भाषा में वो बात करते होता क्या है, दे एक्सपेक्ट मी, पीपल एक्सपेक्ट मी कि हम परसेंटेज में बोले, हम बोल नहीं बोल नहीं पड़ता नहीं कितना ट्रीटमेंट हुआ दूसरे कान को भी ठीक कर देंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि माता पिता को जो तकलीफ है बच्चा अपना इम्प्रूवमेंट हो तो उसी भाव से आपके पास आए हुए है कि वो जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। सुनो आज ये बच्ची सुनेगी न भाई साहब आपका वहम समझता हूँ, साइड इफेक्ट नहीं है दवाई की, कोई नुकसान नहीं होता, बस ये गारंटी जो प्यार है ना बच्चे के ऊपर। और सुनो वो गारंटी वारंटी तब तक रहती खड़ी है जब तक इसका पूरा इलाज। एक बात और है, दुनिया के अंदर तो कोई भी डॉक्टर नहीं है जो क्या करता है कि आज ठीक कर दिया, सुन गया, अच्छा हो गया, बोले घर जा, नहीं, हम उसके बाद में 3 महीने की दवाई ट्रीटमेंट के बाद में भी आपको वारंटी देते हैं कि बेटा इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करना, दवाई मंगवा लेना। फिर से 25,000 21,000 नहीं बढ़वाते हैं, 44,000 का प्रोजेक्ट है, फिर उस समय 44,000 नहीं, कुछ भी पैसा नहीं, केवल 2,000 रुपये कंसल्टिंग डॉक्टर लेगा, पोस्टेज चार्ज लेगा, दवाइयाँ पूरी पूरा प्रोसेस करके भेज देगा। कुछ परहेज रखना पड़ता है, जब खाली लहसुन प्याज नहीं खिलाते, कॉफी बनकर अलग अलग प्रॉब्लम लेते हैं, सबकी हिस्ट्री लेके दवाई देते हैं, स्टैंडर्ड सभी तरह की दवाइयाँ होती है, स्टैंडर्ड भी है और अलग अलग भी है, हिस्ट्री से भी है। जो दवाई देने वाले हैं वो दूसरे डॉक्टर हैं क्या? क्या आप देते? हाँ, हमको ये एक और बात है कि जो बाहर देखा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप कभी कभी क्या होता है किसी के हाथ की भी कमाल होती है, तो हम ये चाहते हैं कि आपके हाथ से दवाई हो। सुनिए सचमुच तो क्या है, मेरे हाथ की दवाई है नहीं, लेकिन आप खुद डाले डालेंगे, इंजेक्शन तो हर कोई देता है लेकिन किसी का हाथ इतना साफ रहता है कि तकलीफ कम होती है। सुनिए ऐसा है कि पूरा फॉर्मुलेशन दवाइयाँ प्रूवन सब मेरे पेटेंट किए हुए हैं, सब पक्का काम है, और उसके बाद में डॉक्टर्स इसलिए रखे जाते हैं कि वो पढ़ लिख के तैयार हो गए हैं, हेल्प करते हैं कि कौन सी दवाई में कितना बेटर है, बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, एक दुनिया का नियम है सर कि यदि टीम ऑफ द डॉक्टर्स हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है प्रगति में, केस फेल होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। आप रिव्यू करते हो, जैसे मान लो डॉक्टर ने दवाई लिख दी और रिव्यू लिखते हैं, रिव्यू करते हो? ऐसे ही नहीं है सब, रिव्यू करते हो? और बहुत। आज कल मैंने ट्रीटमेंट किया और फिर बाद में कितने महीने तक दवाई लेना ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। इट डिपेंड्स करते हैं आपकी सिचुएशन पर, मानो कि 6 महीने तक क्लियर हुआ बेटा, 6 महीने में नहीं, बात 6 महीने की नहीं है, वो खुद ही नक्की कर लेगी क्या करना है। नहीं, 21,000 में कितने महीने की दवाई लेते हैं आप? जब तक तुम कहोगे उतने दिन, 3-3 महीने की दवाइयाँ एक साथ में दूंगा ताकि रोज फोन करना, मिलना, बातें करना कुछ नहीं। और अहमदाबाद आना पड़ेगा? नहीं नहीं, फोन से बात करते आना पड़ेगा नहीं होता है, इफ यू वॉन्ट टू कम टू सी मी और सेंटर पर आना तो आ सकती हूँ, अलग अलग चार्ज लेना वो करना कोई खतरनाक काम नहीं करते, एक तरह का ये सेमी प्रोफेशनल और सर्विस सेंटर ज़्यादा है, समझ रहे ना बात, उसको सर्विस बेस ही रखा गया है और मैंने माना है कि सर्विस बेस रखने में नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होता है, तो क्योंकि लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बाहर ना कुछ नहीं, अब नंबर आ जाएगा, नंबर लिखा ले। एक बहुत बढ़िया बात कहता हूँ सुनो, बहुत जोरदार बात है सर, ये 50 वर्षों का कैरियर है मेरा, 50 वर्षों में 30 वर्ष कभी बगीचे से पैसे पकड़ लाता था, कभी मैं हॉस्पिटल से और कभी कहीं से भी, वो प्रोफेशनल में तभी पैसे कभी टर्नओवर नहीं होते थे, ठीक हो गए दवाई लेके चले गए, हो गया भूल गया, पर जब से अमेरिका जाने के बाद में वहाँ मैंने सेंटर खोलने के बाद में मुझे प्रोफेशनलिज्म आया कि तुम बोले पैसे लोगे या तुमने सेंटर बढ़िया से चलाओगे प्रोफेशनल तो पैसा वसूल करने के लिए भी वो आएगा वापस ठीक करने के लिए, तो इससे वो रोग ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई की आपकी और मान लीजिए नहीं फ़र्क पड़ा तो आप पूछोगे नहीं, अरे 25,000 रुपया लिया भाई, उसको पूछो क्या हुआ है,
तो इससे तो मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ, तब तक दवाई दे देंगे। ये भी है, चलिए कोई खास बात।